हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके साथ उपलब्ध हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेकर, जिसमें हम कवर करेंगे सीएचएसएल 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी सारे सिनोनियम्स आए थे करने के, वो सब हम कवर करेंगे आज, ठीक है। और ये आपके सीएचएसएल के सारी शिफ्ट के सारे सिनोनियम यहाँ पे कवर किए गए हैं। आज से मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे पिछले 2018 या 2017 दोनों सालों के हम बर्ड्स लेंगे, पहले 2018 के मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे वो CGL हो, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो MTS हो, चाहे CPO, कोई भी सेट हो, सब जितने भी पेपर हुए हैं पिछली बार उनके सारे सेट हम कवर करेंगे, ओके, ठीक है। मतलब हम सिनोनियम, एंटोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस, सारी चीज़ जितने भी आते हैं सारे कवर करेंगे 2018 और 2017 के। तो आज CHSL 2018 से स्टार्ट करते हैं हम। सिनोनियम है, ठीक है, उनकी हिंदी भी साइड में आपकी लिखी हुई है, ठीक है। क्लाइमेक्स होता है शिखर, एपेक्स कल्मिनेशन, ठीक है, उत्कर्ष बिंदु, ठीक है, मैक्सिमम बिंदु पहला वर्ड था। दूसरा है मैनुअल, ठीक है, मैनुअल होता है एक हैंडबुक यानी कि गाइड, ठीक है, जिसके ऑप्शन जो थे सेम टू सेम वही पे यहाँ पे आंसर दिया गया है। एक्सपोज करना यानी किसी को एक्सपोज कर रहे हैं आप, बोलते हैं ना मैंने एक्सपोज कर दिया, रिवील करना, बेनकाब करना, ठीक है। एडवर्सरी यानी कि विपत्ति होता है, वैसे तो एडवर्सरी होता है आपका विपत्ति जब आप पे पड़ेगी, यानी कि विपत्ति कैसे पड़ेगी, आपका प्रतिद्वंदी होगा तब पड़ेगी, राइवल, ठीक है, इसका जहाँ वहाँ पे वो दिया था, ठीक है। अगला है हिंड, हिंड मानी क्या होता है, हिंड मानी किसी को रोकना, ठीक है। एक तो हिंडर होता है रोकना, एक हिंड होता है रियर, ठीक है, जो होता है पिछला, इसकी हिंदी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगला है इनुएंडो, ठीक है, इसका मतलब होता है व्यंग्य यानी कि इम्प्लीकेशन, ठीक है। सातवां वर्ड है करंट, ठीक है, और उसका सिनोनिम प्रेजेंट यानी कि वर्तमान। अगला है एडहेयर, उसका मतलब है कंप्लाई करना, पालन करना नियमों का या किसी चीज़ का। एम्बेड यानी कि बुरी करना, ठीक है, अंतः स्थापित करना, बुरी करना, दफनाना। अगला है कम्ब्यूस्टिबल है, जो ज्वलनशील हो, इनफ्लेमेबल है। अगला है एंथ्रेल यानी कि मेसमेराइज करना, किसी चीज़ को रोमांचित करना, एंथ्रेल करना, ठीक है, 11वां वर्ड था। 12वां वर्ड है फोर्टिफाई करना यानी सिक्योर करना, सुरक्षित करना किसी चीज़ को, ठीक है, फोर्टिफाई करना। अगला है इरोड, इरोड मानी किसी को ख़त्म कर देना है, डिसइंटीग्रेट करना, ठीक है, इरोड करना। अगला है एंटेंजल, एंटेंजल होता है इम्प्लीकेट करना, किसी को फंसाना, ओके। अगला है थ्वार्ट, थ्वार्ट होता है विफल करना, इम्पीड करना, बाधा पहुंचाना, ठीक है, थ्वार्ट बाधा पहुंचाना काम में, ठीक है, बाधा डालना, इम्पीड। हैंडी होता है जो चीज़ हैंडी या कन्वीनियंट होगी आपकी, ठीक है, सुविधाजनक, ओके, सुविधाजनक। अगला है अवेंज, अवेंज होता है किसी से अवेंज लेना, रिवेंज और अवेंज, रिवेंज मानी बदला और अवेंज मानी वही है सेम टू सेम, बदला लेना या सजा देना, ठीक है, अवेंज यानी कि पनिश। स्क्रैप क्या होता है, स्क्रैप होते हैं टुकड़े होते हैं नन्हे मुन्ने, ठीक है, और स्क्रैप होता है रिजेक्ट करने से भी संबंधित होता है, तो रिजेक्ट वहाँ पे दिया था, रिजेक्ट इसका सही आंसर है। अगला है कैंडिड, कैंडिड होता है आपका जो सीधा सच्चा होता है बेचारा, ओपन माइंडेड होता है, ठीक है, फ्रैंक होता है, ओके। साणे, साने मतलब ये साने, इसका प्रोनंसिएशन नहीं होगा लेकिन मैं इसको साने करके याद करता हूँ, बोलते हैं ना मूवियों में साने, ठीक है, तो साने जो होता है ना वो आदमी सेंसिबल होता है, उसमें दिमाग होता है, दिमाग से काम करता है, ठीक है, ओके, समझदार होता है ये साने, ठीक है। तो आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, मैंने आपको याद भी करा दिया शायद ये। अपॉर्चून है, अपॉर्चून होता है टाइमली, सामयिक, ठीक है, अपॉर्चुनिटी से बल्कि बनाइए। पैथेटिक, पैथेटिक होता है पिटीफुल यानी कि दयनीय, जिसे दया आ जाती है, ठीक है, जिसके अंदर फीलिंग होती हैं। एक होता है अपैथेटिक, उसमें ए लगा होता है पैथेटिक से पहले, वो होता है जिसके अंदर कोई फीलिंग नहीं हो गलत सही की। अगला होता है थ्रिप्टी, थ्रिप्टी होता है फ्रूगल, मितव्ययी, ठीक है। अगला है स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर। अगला वर्ड है 25वां टेम्परेट, टेम्परेट होता है मॉडरेट, ठीक है, मतलब संयमी, ठीक है, संयम रखना, ठीक है, टेम्पर मॉडेस्ट है, ना ज़्यादा ना कम, संयम। अगला है डेफियंस, डेफियंस होता है किसी की बात को ना मानना, रेजिस्टेंस करना यानी कि अवज्ञा करना या चुनौती देना, ठीक है। रेप्रीमेंड करना, किसी को डांटना, ठीक है, रिप्रोच करना, ठीक है। सॉलिड होता है घिनौना, ओके, यानी कि डर्टी आप जिसको बोल सकते हैं। रिसोल्यूट होता है डिटरमाइंड, जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया मेरे को एसएससी सीजीएल 2019 इस बार टॉप करना है, ठीक है, या टॉप 50 में आना है या टॉप 100 में आना है, तो उसे बोलते हैं रिसोल्यूट, ठीक है, डिटरमाइंड, दृढ़, ओके, दृढ़, वो अड़ा हुआ अपनी बात पे, ठीक है। इंट्रेपिड होता है गैलेंट यानी कि निडर, गैलेंट होता है निर्भीक, ठीक है, ओके। 30 वर्ड हमारे कवर हो चुके हैं, आते हैं 31वें वर्ड पे, पिटफॉल,
ये होता है हजार्ड, इसका मतलब होता है हजार्ड मानी खतरा। ये शायद मुझे लग रहा है ये पहला वर्ड है जो नया, एक शायद एक, क्योंकि मैंने आज तक एसएससी की वोकैबुलरी में ये पढ़ा नहीं है पिटफॉल, ये शायद नया आया हो, लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जो नया आया था लास्ट ईयर। और कुछ एरर्स तो ऐसी आई थी, मैं आपको बता दूं, जो डिट्टो किरण की बुक में आप जो प्रीवियस ईयर के एरर है ना उनमें देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगी, सीपीओ में ऐसी देखी है मैंने। ठीक है, अगला है वाइटल, इसेंशियल, ठीक है, महत्वपूर्ण। अगला है डिस्कवर, डिस्कवर माने फाइंड करना, खोज करना। इग्नोमीनियस होता है डिसग्रेसफुल, शर्मनाक, ठीक है, इग्नोमीनियस, ओके, इसका मतलब होता है शर्मनाक। अगला है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होता है ट्रेडिशनल, रूढ़िवादी, ठीक है, जो पुराने आइडिया पे पुरानी चीज़ों को करता ही रहता है। ठीक है, क्वेस्ट होता है किसी चीज़ की सर्च करना, खोज करना, ओके, खोज, क्वेस्ट, QUEST। अगला है मेडल, या इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना। ठीक है, अगला है आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा यानी कि बिलीफ, ओके। अगला है एनोमोलस है, अनुमोलस, मैंने इसको याद करने का तरीका है मेरा अनुमेलस, ठीक है। तो अनु एक अजीब आदमी है जो मालिश करता रहता है हर समय, तो मैंने उसको ये ऐसे याद किया था, ट्रिक है ओनली ये, ठीक है, कुछ गलत मत लेना इसको, ठीक है। पेक्यूलियर यानी कि विचित्र, बिजार्ड, ठीक है, या बिजारे जिसको बोलते हैं, बिजार तो होता है जादू ही होता है ना, ठीक है, बिजारे, और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं विचित्र के, अजीब के, ठीक है। फ्लीटिंग होता है मोमेंटरी यानी कि क्षणिक, बहुत ही कम समय जो रहता है। आइडेंटिकल यानी कि सिमिलर, एक समान। अगला है ऑस्टेंटेशियस यानी कि फिलेसी, जो होता है दिखावटी, ठीक है। पॉम्प जिसको हम बोल सकते हैं, ऑस्टेंटेडियस का सिनोनियम, ठीक है। अगला है रेडियंस, रेडियंस आपको समझ में आ रहा होगा, चमक, ठीक है, चमकदार कुछ चीज़ है, तो स्पार्कल, ठीक है, स्पार्कल वैसे इसका सिनोनिम होना चाहिए, लेकिन स्पार्कल मानी चमकना, ठीक है, उसको भी तो इससे हम बोल सकते हैं। रिकैपिटुलेशन यानी कि समरी, संक्षिप्त, ठीक है, सार, किसी चीज़ का समरी होता है ना, समरी लिखिए, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, इसका सार लिखिए यानी कि रिकैपिटुलेशन कीजिए। बारी होता है सावधान यानी कि अलर्ट होना, ठीक है। रिसीड करना यानी किसी चीज़ का पतन करना, ठीक है, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, उसका बान, ठीक है, बान या बीन जिसको आप जो भी पढ़ें, प्रोनंसिएशन मेरी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बीन का मतलब आप समझते हैं कि पतन कर दे किसी चीज़ की, स्थिति को बदतर जब होती जा रही है, पतन हो रहा है उस चीज़ का, उसे बोलते हैं बीन। लेकिन बीन को हमें याद करने की ट्रिक बताऊँ आपको, जैसे आपके यहाँ देखो शायद नहीं हो क्योंकि होनी चाहिए, बेड होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जगह तो, लेकिन हमारे यहाँ गाँव में क्या होते थे, खाट होती थी, आप चारपाई आपने सुनी होगी, तो खाट में क्या होता था, उसमें जो जिससे बुनी जाती थी उसको हम बान कहते हैं हमारे गांव में, तो वो बान क्या होता है उसका ना, हल्के हल्के जैसे बनी ना, तो बनने के बाद अब 2-4 महीने ढंग की रहती है, उसका हल्के 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 उसका पतन होता जाता है, हल्के हल्के ख़राब होते जाते हैं बान, टूटते हैं, एक टूटेगा, दो टूटेगा, तीन, फिर 1-1.5 साल में पूरी खटिया, मतलब हल्के हल्के टूटते हैं वो बान, तो आप इससे याद रख सकते हैं बान मानी पतन होना, ठीक है, ओके। एक्यूरेट मानी प्रिसाइज, ठीक, बिल्कुल, ओके। डेडिकेशन, ओके, निष्ठा, कमिटमेंट, डेडिकेट, ठीक है, एकदम डेडिकेशन से काम करो, निष्ठा से काम करो, आपने सुना होगा। मिनिएचर होता है डिमिनिटिव, लघु, बहुत ही छोटा, ओके। अगला है कैमोफ्लेक, ठीक है, डिसग्रेस यानी कि छलावरण। कैमोफ्लेक मैंने आपको एक बार आपको पहले बता चुका हूँ, जो पिछले वीडियो उनमें भी मैंने एक बार कराया ये, ठीक है, तो वो भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने ब्लैक बुक से कराई है, और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है यार, प्रीवियस ईयर के आप रट्टा मार दो एक तरफ से, प्रीवियस ईयर एक भी छोड़ना नहीं है, तो नहीं छोड़ना है, आप मेरी बात को मान लो, गांठ मान लो बिल्कुल, ठीक है। तो 50 वर्ड ये थे हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है, इतने ही वर्ड मुझे मिले, ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो होगी इसी की, SSC CHSL के 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि आपको बहुत ही जल्दी आज शाम को फिर कल सुबह मिल जाएगी पक्का, ठीक है, तो आप इसको खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।